हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑन नेशनल पार्क्स इन इंडिया देख रहे हैं। ओके, इसका पार्ट वन कर रहे हैं हम, उसके बाद में पार्ट सेकंड में भी कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन CGL SSC AEJEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इससे पहले मैं थ्योरी से रिलेटेड इसको ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा देन प्लीज गो एंड विजिट, इसी चैनल पर पढ़ा हुआ। ओके, तो देख लेते थंबनेल का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन, विच वन इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ओके, गिर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क या हेमिस नेशनल पार्क। इसका आंसर हम लोग देखेंगे ड्यूरिंग सॉल्विंग अदर क्वेश्चंस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कौन सा है देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। एंड इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क वाज स्टेबलाइज 1936। ये स्टेबलाइज कब हुआ था, 1936 में। इट्स नॉन फॉर इट्स बंगाल टाइगर्स। ओके, तो इस चीज को याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, पूछा जा सकता है फर्स्ट टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क कौन सा था इंडिया में, तो उसका भी आंसर जिम कॉर्बेट होगा। 1936 में कौन सा स्टेबलाइज हुआ था, दैट इज ऑल्सो जिम कॉर्बेट। ओके, सेकंड पे चलते हैं। बंधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो हमारा बंधवगढ़ है वो किस स्टेट में, इसका राइट आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश में। देख लेते हैं आंसर। हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर देन एनी अदर पार्क इन इंडिया। तो इसे याद क्यों रखना है, कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नेशनल पार्क में हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स है, देन आंसर मस्ट बी द बंधवगढ़ नेशनल पार्क। और कहाँ पर है, हमारा मध्य प्रदेश में। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रणथंभौर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो रणथंभौर हमारा नेशनल पार्क कहाँ पर है, राजस्थान में। ओके, क्योंकि मैंने बताया था इससे रिलेटेड जितने भी मैं ट्रिक्स ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ ओनली एक्सप्लेन कर रहा हूँ बाय अज्यूमिंग दैट यू हैव ऑलरेडी विजिटेड माय वीडियो रिलेटेड टू थ्योरी। ओके, रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ दिस पर्टिकुलर नेशनल पार्क। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राजस्थान। देख लेते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर इट इज लोकेटेड इन ईस्टर्न राजस्थान एट द जंक्शन ऑफ बिटवीन द अरावली हिल। अरावली रेंजेस हमारी कहाँ पर है, राजस्थान में, एंड विद्यान प्लेटू। ओके, तो रणथंभौर हमारा कहां पर है, राजस्थान में। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो काजीरंगा नेशनल पार्क हमारा कहां पर लोकेटेड है, असम में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, ये मैंने ऑलरेडी थ्योरी क्लास जो बताई थी उससे एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट लिया है, ये हमारा असम है। मैंने ट्रिक क्या बताया था, याद रखना है कि असम हमारा क्या है, इंडिया से बिल्कुल ईस्ट कॉर्नर पर जाके पड़ता है। तो हम कामना करते हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी मास मीडिया में या हमारी मेन स्ट्रीम में न्यूज़ नहीं आती, तो हम कामना करते हैं कि वहाँ के लोग खुश रहें। तो कामना का मतलब का से क्या आ गया, काजीरंगा, और मना से क्या आ गया, मानस पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में, और किसके लिए पॉपुलर है, वन ऑन डायनासोरस। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम। और कभी कभार पूछा था वन ऑन डायनासोरस के लिए कौन सा पार्क पॉपुलर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम, और इसका नाम क्या, काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, बंदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। तो बंदीपुर हमारा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, कर्नाटका में। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। देखो, ये हमारा कर्नाटका है। मैंने ट्रिक क्या बताया था, कर्नाटका ने बटरफ्लाइज को क्या कर रखा है, बंदी बना रखा है। तो देखो, बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में, और क्या, इट हैज स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंडियन एलिफेंट्स, स्पॉट डियर्स, गॉस, वाइजन, एंटीलॉप्स एंड न्यूमरस अदर नेटिव्स। तो देखो, एंटीलॉप्स होते हैं, ये डियर्स की स्पेसीज है, इसे एंटीलॉप्स बोलते हैं, और ये हमारे गॉर्स या वाइजन है, ये क्या होते हैं, जंगली बफेलो होती है उन्हें बोलते हैं, और ये हमारा कहाँ पर है, कर्नाटका में। ट्रिक क्या था, कर्नाटका ने बटरफ्लाई को बंदी बना रखा है, तो सेकंड पार्क क्या कौन सा है, यहाँ पर बटरफ्लाई पार्क है, इसे बोलेंगे वेनरघट्टा नेशनल पार्क। ओके, और ये क्या हमारा फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क है। वेनरघट्टा बटरफ्लाई पार्क इज द फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क इन द इंडियन, आल्सो पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस इन बैंगलोर, एंड इट प्रेजेंस ऑलमोस्ट 70 स्पीसीज है। यहाँ पर कितने बटरफ्लाई की, ऑलमोस्ट 70 स्पीसीज है। ओके, इसके अलावा ये मैंने एक्सप्लेन किए थे, इरविकुलम नेशनल पार्क ये हमारा केरला में, और दूसरा मुदमलाई नेशनल पार्क ये हमारा कहाँ, तमिलनाडु में। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉपुलर एसियाटिक लॉयंस कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द नेशनल पार्क। तो किसकी बात कर रहा है, एसियाटिक लॉयंस की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गिर नेशनल पार्क। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखो, ये हमारा गुजरात है, और यहाँ पर क्या, इट वॉज स्टेबलाइज टू प्रोटेक्ट एसियाटिक लॉयंस। तो कहाँ पर है, गुजरात में। ओके, इससे रिलेटेड मैंने कुछ और यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया, तो उसमें भी वो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये कियलादियो नेशनल पार्क राजस्थान में, ये क्या है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी है। ओके, बर्ड्स के लिए पॉपुलर है। वैली ऑफ फ्लावर्स एंड नंदा देवी नेशनल पार्क ये हमारा उत्तराखंड में, और वाल्मीकि नेशनल पार्क ये बिहार का ओनली नेशनल पार्क है। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट स्लाइड, फॉर्मर ओल्डर नेम ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन, मैंने बताया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या इंडिया का सबसे फर्स्ट स्टेबलाइज नेशनल पार्क है, और कब स्टेबलाइज हुआ था, 1936 में हुआ था। उस टाइम पे इस नेशनल पार्क को क्या बोलते थे, हेले नेशनल पार्क बोलते थे, जिसे बाद में बदल के क्या कर दिया गया, रामगंगा कर दिया गया, और जिसे बाद में फाइनली बदल के क्या कर दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। तो क्या आ जाएगा, ओल्डर नेम इसके क्या था, हेले नेशनल पार्क, जिसे बाद में रामगंगा किया गया या कोबर, और उसके बाद में आप क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो हेले नेशनल पार्क या रामगंगा में कोई भी आता है तो इसके दोनों के ओल्डर नेम है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क वाज द फर्स्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क वाज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, मैंने बताया था कौन सा ही हमारा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, क्योंकि यही इंडिया का सबसे फर्स्ट नेशनल पार्क था, और ये कहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में। ओके, कहाँ पर है हमारा, उत्तराखंड में। तो इससे रिलेटेड जितना भी डिटेल है सब याद रखो, क्योंकि जनरली चांसेस है इस पर क्वेश्चन कभी ना कभी किसी डिफरेंट फॉर्म में पूछ ही लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, सतपुरा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, सतपुरा हमारा कहाँ पर है, सतपुरा रेंज से हमें पता है कहाँ, मध्य प्रदेश में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में, सिचुएटेड 29 किलोमीटर फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर का हमारी अंडमान निकोबार की का ये कैपिटल है। द पार्क इज लोकेटेड ऑन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अंडमान इन द बे ऑफ बंगाल। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया टिल 2019 आर, तो हमारे कितने टिल 2019 के लिए, 104 है। ओके, आगे चलते, सिमलीपाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क हमारा कहाँ पर है, उड़ीसा में, देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। द पार्क इज इन द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ उड़ीसा। सिमलीपाल एलिफेंट्स रिजर्व इज एन इको सिस्टम कम्प्लीट विद फॉरेस्ट वेजिटेशन मेनली सॉल्ट ट्री, तो यहाँ जनरली क्या है इस बारे नेशनल पार्क में, सॉल्ट ट्री। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन नेशनल पार्क इज लोकेटेड, सुंदरबन नेशनल पार्क हमारा कहाँ लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में। ओके, देख लेते हैं हम इस स्लाइड से, देखो ये वेस्ट बंगाल है और यहाँ का हमारा सुंदरबन है। इट इज ए डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट विच इज यूनिक एंड मैग्निफिसेंट प्लेस टू विजिट। मैंग्रोव हमारे क्या होते हैं, सदाबहार ट्रीज होते हैं। ओके, उन्हें क्या बोलते हैं, मैंग्रोव, मीन्स सभी सीजन्स में ये क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। ओके, इसके अलावा देखो इस स्लाइड को मैंने स्क्रीनशॉट लिया तो कुछ और पार्क में वो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, मेरे वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी पढ़े, अगर आपने नहीं देखा तो उसे एक बार चेक कर लो, चैनल पर पढ़ा हुआ है। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में, बंधवगढ़ नेशनल पार्क हमारा कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क हमारा क्या है, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा पन्ना नेशनल पार्क एक और है, वो भी हमारा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ओके, सुंदरबन वेस्ट बंगाल है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा क्या, उत्तराखंड में। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा थंबनेल पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हेमिस नेशनल पार्क, और ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। द बिगेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज द हेमिस नेशनल पार्क लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। ओके, इसके जस्ट बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, साउथ बटन नेशनल पार्क, देख लेते हैं, और ये कहाँ पर, साउथ बटन नेशनल पार्क इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया विद द एरिया ऑफ 2 square miles। ओके, तो ये हमारा कहाँ पर है, साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में। तो देखो इसमें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हें याद ही रहने चाहिए। फर्स्ट, इंडिया का सबसे फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, कब स्टेबलाइज हुआ, 1936 में। सबसे बिगेस्ट कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क है, और कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। सबसे छोटा कौन सा है, साउथ बटन नेशनल पार्क है, और कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार में। ओके, तो सभी ये 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें 15 क्वेश्चन को हम लोग और देखेंगे। मेरा मानना है अगर आप ये 30 क्वेश्चन लगा लेंगे तो नेशनल पार्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो। दिस इज ऑल अबाउट टुडे वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट माई वर्क। ओके, thank you very much, so this is time to sign up. Okay, thank you friends.